समझ की तरह हम हाजिर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके। सो रिसेंटली मैंने सिमाड़ो पे मूवी देखी एक अनजान रिश्ते का गिल्ट पार्ट 3। ये ग्रामथल जाने वाली मूवी है जिसके डायरेक्टर है सतीश भट्ट। तो आज वीडियो करेंगे इसमें एक और जानकारी कैसी मूवी क्या मूवी आपके लिए देखने लायक है या नहीं, तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है क्रैपी वाइनयार्ड्स रिजॉर्ट की। इसके मैनेजर हैं अक्षय, जो ठीक ठीक तरीके से रिजॉर्ट को रन कर रहे होते हैं। और एक दिन रिजॉर्ट के ओनर यानी वरुण अपने पूरे फैमिली के साथ रिजॉर्ट को विजिट करने आते हैं, एंड यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। वरुण की जो वाइफ है वो उसकी दूसरी वाइफ है, पहली वाइफ से उसने तलाक ले लिया था। तो दूसरी वाइफ है आयशा, जो पूरी तरीके से डायरेक्टली बिजनेस को संभालती है। तो आयशा को यहाँ की मैनेजर यानी अक्षय के ऊपर क्रश आ जाता है, एंड दूसरी ओर अक्षय को बॉस की बेटी यानी कृति से प्यार हो जाता है। तो अब आगे क्या होता है, क्या रहती है इसकी पूरी कहानी, ये जानकारी देखिए 1 hour 44 minutes की मूवी अनजान रिश्ते का गिल्ट पार्ट 3 ओनली ऑन सिमाड़ो। स्क्रिप्ट एंड इसकी स्टोरी टेलिंग डिसेंट है। हर बार की तरह एक नई स्टोरी के साथ ये फ्रेंचाइजी आगे बढ़ रही है। इस फ्रेंचाइजी को हर बार एक नया डायरेक्टर अपने विजन से डायरेक्ट कर रहा है, एंड सच बताऊं तो मुझे इस फ्रेंचाइजी की हर पार्ट का बेसब्री से काफी ज्यादा इंतजार रहता है। पार्ट 3 में कहीं ना कहीं मुझे डाउनग्रेड देखने को मिला। इसकी स्टोरी लाइन, इसके स्क्रीन प्ले, इसके डायलॉग डिलीवरी और ओवरऑल पूरी जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड मुझे फील हुआ और बेहतर हो सकती थी। तो स्क्रीन प्ले मुझे ठीक ठाक लगा, सिनेमाटोग्राफी एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका ओके टाइप है, एडिटिंग अच्छा है। 1 hour 44 minutes की पूरी मूवी है, जो बहुत ज़्यादा भी लेंदी फील नहीं होती है, जो अच्छी बात है। डायलॉग्स थोड़े और बेहतर हो सकते थे, मुझे कहीं ना कहीं एवरेज डायलॉग्स लगे। नजर डाले कास्टिंग के ऊपर, जो इस मूवी के लीड रोल में है, सना खान, नैना भोले, नंद खन्ना, मीर सड़वार आदि आदि से कलाकार, ओवरऑल सभी कलाकार की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है। सबने अपने किरदार को ठीक ठीक तरीके से निभाया है। कैरेक्टर्स को और अच्छे से डेवलप करना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। बात करें क्लाइमैक्स की, तो इसका क्लाइमैक्स काफी ज्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहता है। मैं ऐसा क्लाइमैक्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन शॉर्ट ये एक ठीक ठाक मूवी है, अगर आप चाहे तो इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है मूवी आपको निराश तो नहीं करेगी। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.7 out of 10 स्टार्स। फाइनल गाइडेंस की बात करें तो हाँ, ये टोटली 18+ है। इसमें काफी सारे वल्गर शॉर्ट्स, इंटीमेट सीन्स को दिखाया गया है, बार बार दिखाया गया है। तो अगर आप देखना ही चाहते हैं तो इसे अकेले ही देखिएगा। अगर आपने इसमें को पहले देखा है तो आपको ओपिनियन कमेंट साथ कमेंट सेक्शन में, नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं सिमाड़ो पे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्में देखना पसंद हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंटेंट देखने के लिए। हम तब से फिर किसी नई वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।